सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो और नमस्ते दोस्तों, आज सभी का हमारे और अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर टर्म वन और टर्म टू मिला के पास होना है क्लास टेंथ में, या फिर सर हमें टर्म वन टर्म टू और प्रैक्टिकल मार्क्स मिला के पास होना है। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन है। तो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा, बट उससे पहले मैं आपको दो बातें बोलना चाहूँगा। जो बच्चा मेरे पर ट्रस्ट करता है वही वीडियो को आगे देखे, जिसको ट्रस्ट नहीं है वो सिंपली वीडियो को अभी छोड़ के जा सकता है। देखो यार, मैं आपको सिंपल सा आंसर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप अपनी मर्जी से बोलते हो, तो गाइज मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि मेरा इंटेंशन, आपको डायरेक्ट कहता हूँ, मेरा इंटेंशन आप सभी की टेंशन दूर करना होता है, आपके क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। मेरे को बच्चों के जो बच्चे कमेंट करते अच्छे थे वो देख के अच्छा लगता है, तो मैं वीडियोस बनाता हूँ। जिनको ये लगता है मैं पैसों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो मैं उनको सिंपली कहता हूँ मेरा घर इस चैनल से नहीं चलता। जीपी एडवाइस चैनल के जो ऑनर है, जो मैं हूँ, मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करता हूँ, मैं स्टडीज़ करता हूँ। स्टडीज़ के साथ में मेरे को लगता है कि बच्चों को थोड़ा हेल्प भी मिल जाती है, मेरे को भी थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, मेरे छोटे मोटे खर्चे निकल जाते हैं, तो मैं करता हूँ। बाकी जिनको ये लगता है कि मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ, बच्चों को मिसगाइड करता हूँ, तो उनको यही कहना चाहूँगा कि मैंने किसी वीडियो में आज तक किसी बच्चे को मिसगाइड नहीं करा है और कभी सोचूंगा भी नहीं, क्योंकि 1000-2000 व्यू के लिए, 1000-2000 रुपए के लिए मैं किसी बच्चे का फ्यूचर बर्बाद करूँ, मैंने कभी सोचा नहीं है यार। तो मैं ज़्यादा से बात नहीं करूँगा, बस मेरे को एक बात रखनी रख दी। अब मैं गाइस आपको बताता हूँ कि आपको टर्म वन टर्म टू और प्रैक्टिकल मिला के पास होना है, भी टर्म वन और टर्म टू मिला के। तो गाइस देखो, प्रैक्टिकल मार्क्स मिला के पास होना होता था लेकिन लास्ट ईयर तक। इस साल CBSE ने ऐसा कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है। कुछ जगह पर फेक सर्कुलर वायरल हो रहे हैं, बट वो फेक है। CBSE की वेबसाइट पर ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है। मेरे को बहुत सारे बच्चे YouTube पे वीडियो शेयर करते हैं, YouTube की वीडियो शेयर करते हैं, बट मैं आपको बताना चाहूँगा आप सभी को टर्म वन और टर्म टू मिला के पास होना है। टर्म वन टर्म टू और प्रैक्टिकल मार्क्स मिला के पास नहीं होना। अगर प्रैक्टिकल मार्क्स भी मिला के पास होना होगा तो कोई बच्चा फेल ही नहीं होगा, बच्चे बिना पढ़े ही पास हो जाएंगे। बताऊँ कैसे? एक दो नंबर तो आप ले आओगे, टर्म टू के अंदर एक दो नंबर हर किसी के आ जाएंगे, टर्म वन में बच्चों के अच्छे खासे नंबर आए हैं, 20 नंबर स्कूल से गए हैं, बाकी पीछे रह गए 13 मार्क्स, वो तो आप लोग दोनों मिला के 6-6 नंबर लाओगे दोनों टर्म वन टर्म टू, तो आप ऐसे ही पास हो जाओगे, कोई बच्चे को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे नहीं होता, टर्म वन और टर्म टू मिला के आपको पास होना है। प्रैक्टिकल मार्क्स का इधर कोई रोल नहीं है, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता सकता। प्रैक्टिकल की मार्क्स सिर्फ आपकी परसेंटेज बढ़ाएगी। आप सभी का अच्छा चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। झूठ बोल के व्यू कमा लूँगा, झूठ बोल के आप सभी फीलिंग्स का खेल लूँगा, लेकिन जिस दिन सच पता लगेगा आप मेरे को बदुआ दोगे, और मेरे को लगता नहीं कि किसी भी इंसान को दुआ से ऊपर कोई बड़ी कमाई हो सकती है। जिन लोगों की सोच छोटी है उनके लिए पैसा बहुत कुछ है, मेरे लिए रियलिटी में दुआ बहुत है। आप चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करो, वीडियो को लाइक मत करो, मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे लिए बहुत है वो। तो आज की वीडियो में इतना ही, अपनी तरफ से कोशिश करिए आपको एक एक्सप्लेन करने की बात, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करना, अपने फैमिली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आ सिंगा पर सेफ रहो। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।